एक ऐसा बंदा जो स्टंप के पीछे से मैच पलट देता है। हर बड़े से बड़ा बंदा जिसका फैन है, धोनी सपोर्टर, धोनी, एमएस धोनी का फैन हूं। इवन अपोनेंट्स भी जिससे एडवाइस लेते हैं। वो जब आउट होता है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपोनेंट टीम उसे सेलिब्रेट तक नहीं करती। वो बस एक, द वन एंड ओनली एमएस धोनी। एमएस धोनी जितना अपने क्रिकेट की वजह से फेमस है, उससे 10 गुना ज्यादा फेमस वो अपने शातिर दिमाग की वजह से है। यहाँ तक कि सामने वाला खिलाड़ी कैसे सोचता है ये तक ये बंदा पहले ही फिगर आउट कर लेता है। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके प्रूफ के लिए आगे मैं आपको कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। इन शॉर्ट, इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे एमएस धोनी के माइंडसेट को, कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं। एंड आई बेट कि आप धोनी के फैन हो या ना हो, इस वीडियो को शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग कैप्टन कूल ऑफ इंडिया महेंद्र सिंह धोनी। जरा इस क्लिप को ध्यान से देखना। So what's your idea for good time? I feel for me most of the time is good time. Either you are learning or you are enjoying what you have learned. So it's not the ups and the downs. You know, you lose some, you win some. When you win, you celebrate. When you lose, you learn. Either ways, I'm having a good time. This is the mindset of powerful leader. Result आपके favor में आएगा या नहीं, आप जीतोगे या नहीं, ये बहुत सारे factors पे dependent होता है। But results आपके favor में नहीं है, आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है, तो वो क्यों नहीं हुआ है, ये बहुत कम लोग ढूंढते हैं। And Dhoni is one of them. इसलिए ये बंदा आगे क्या होने वाला है ये पहले ही predict कर लेता है। यकीन नहीं आता तो ये देखो। भाई ये बॉल तो आड़ा है, पक्का आड़ा मारेगा। मतलब बॉस स्टंप के पीछे होने के बाद भी सामने वाला प्लेयर क्या सोच रहा है, वो कैसे खेलेगा, ये अपने धोनी भाई बॉलर के बॉल डालने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे कई सालों का एक्सपीरियंस है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनसे सीखने का एटीट्यूड है। हमने आज तक बड़े बड़े महारथियों से सुना है कि कुछ भी कर रहे हो तो उसमें आपका फोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली फोकस्ड होने के लिए आपकी लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और इसको माही कितना सीरियसली लेते हैं आप खुद ही देख लो। You're connected with all the cricketers. Do you have Dhoni's number? No, I used to have Dhoni's numbers, yeah. And everyone used to have Dhoni's number. Except at that point of time, maybe Srinivasan had his number. So it's not that he doesn't have a phone, but for the general janta, he doesn't have the phone, and he's not interested. That's why I like Dhoni. He's the only person who's proved to the entire world ki mereko likes nahi chahiye, fir bhi tum mujhko like karoge. Duniya bhar ki fan following, social media pe millions of followers hone ke bawajood, ye banda mobile phone use tak nahi karta. Yahi nahi, inke Instagram par 42 million followers hone ke baad bhi, ye banda kabhi bhi ek simple story tak nahi dalta. Because he feels ki ye mobile, social media sab distraction hai, aur ye sab usko uske game se distract kar sakte hai. Aur इसकी वजह से वो इसे यूज ही नहीं करता। इस लेवल का डेडिकेशन वो भी इस लेवल पे पहुंचने के बाद बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। एंड धोनी इज वन ऑफ देम। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से क्रिकेटर्स अपनी लैविश लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, जिसको मिलियंस ऑफ लोग लाइक करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करना गलत है, लेकिन एक लेजेंडरी लेवल पे पहुंचने के बाद हमारे धोनी भाई इसके बारे में क्या कहते हैं, उन्हीं के मुंह से सुन लो। When I started playing for India, it was 2004. There was no Instagram, there was no Twitter, nothing. Now a lot of people are worried about likes, followers, this, that, but that's not the core subject. You know, as cricketers, we are supposed to try our best, you know, to represent the country and do well. If we take care of that, the followers will take care of themselves, the likes will take care of himself. So you always need to differentiate. तो जो लोग सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स कमाने की रेस में भागते हैं, ये उनके लिए है। अब आगे धोनी भाई का जो वीडियो आप देखोगे वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लीडर्स जो फेल होते हैं उनमें ये क्वालिटी नहीं होती। और एज अ सीईओ मैं जो कंपनी रन कर रहा हूँ वहाँ ये बहुत जरूरी है। द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई वाज द कैप्टन वाज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई यूज्ड टू थिंक दिस इज कॉमन सेंस। No, there's nothing called common sense. You know, a lot of times you're like, अरे ये तो बताने की चीज नहीं है, but in a team environment you need to say it. Because there will be a few who are intelligent, who know, and they'll be like, you know, ये क्या बोल रहा है, जरूरत नहीं है. It's not for them, they can figure out. It's for the person who doesn't understand. But it's very bad to address it to only one person, because then he knows, अच्छा ये मुझे ही बोल रहा है. देखा,
इसलिए पूरी इंडियन टीम इस बंदे की इतनी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि यार टीम में हर बंदे का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग है, और जो इंटेलिजेंट है वो तो कैसे भी चीजों को फिगर आउट कर लेता है, पर जो बंदा नहीं है वो यहाँ पीछे छूटता है। और हर लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टीम में से हर किसी को साथ लेके चले। तो अगर आप एक लीडर हो या फिर बनना चाहते हो तो इस चीज को एज इट इज कॉपी करना। दोस्तों आपको तो पता है कि धोनी को पूरी दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है, लेकिन ये बंदा कैप्टन कूल बना अपने पापा की एक छोटी सी एडवाइस की वजह से, जो सुनने के बाद आप हंसोगे जरूर, पर जब इसकी गहराई समझोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ये देख लो, प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे कह रहे हो। हंसी आई ना, पर गहराई से सोचोगे तो समझ में आएगा कि यार बात में लॉजिक तो है, कि किसी भी चीज के लिए अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो तो स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, और अगर प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो स्ट्रेस लेके कोई मतलब ही नहीं है। सो बी काम एंड कूल। हमने हर बार देखा है कि ये बंदा हर चीज के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड होता है, और इसी वजह से इनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। पर ये सब ये बंदा कैसे कर लेता है, ये वीडियो देखो। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, यू नो, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवर सेल्फ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और जब आपसे गलती हो तो खड़े होकर बोलना हाँ ये मेरे से गलती हुई है। आई फील दिस इज वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करते हैं तो रिजल्ट अपने आप आते हैं। हाँ, ये बात भी उतनी ही सच है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर जो कंट्रोल में है उसके ऊपर फोकस करो, और एट दी एंड एक्सेप्ट करो, क्योंकि एक्सेप्ट करने से ही हमें हमारे फ्लॉज पता चलते हैं, और उन फ्लॉज पे काम करने से ही विजडम आता है, हम बेटर होते जाते हैं। इसे भी अपने लाइफ में कॉपी पेस्ट मारना। दोस्तों हम सब ने देखा है कि टीम जीते या हारे ये बंदा नॉर्मल ही रहता है। क्या इन्हें गुस्सा नहीं आता, क्या धोनी भाई फ्रस्ट्रेट नहीं होते? इसका जवाब धोनी भाई से ही सुन लो। आर यू रियली दैट कूल? व्हाट गोस थ्रू योर हेड टू बी दैट कूल? I would say I feel equally frustrated. I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. You know, what needs to be done right now is more important than any of these emotions. So I'm controlling my emotions in a much better way. So I would say I'm like everyone else. It's just that I control my emotions slightly better than some of the other individuals. Dekha, matlab ye banda alag nahi hai. Ye sirf alag tarike se sochta hai. Aur isi sochne ke tarike ko mindset बोलते हैं, जो हम ऐसे पावरफुल लीडर से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी नई चीज करने से पहले हम डरते हैं, और इसलिए नहीं क्योंकि हमें वो करना आता नहीं है, बल्कि इसलिए कि अगर हम गलत हो गए तो क्या होगा, ये सोचकर। इस पे माही का क्या कहना है, ये देखो। So how do you keep yourself so cool? Very simple, don't think about the result. It's a result that puts pressure on us. You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables, you know, and whatever the controllables are, we take care of it, we'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. यानी कि controllables पर आपके हाथ में जो है उसके ऊपर फोकस करो। दोस्तों कोई भी काम करने के लिए हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको घर से कहीं जाना है तो हम बाइक लेके जा सकते हैं, साइकिल लेके जा सकते हैं, कार लेके जा सकते हैं, या तो पैदल जा सकते हैं, पर कौन से टाइम पे क्या यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पास में ही कहीं जाना है तो पैदल जाओ, थोड़ा दूर है तो साइकिल यूज करो, ज्यादा दूर है तो बाइक से जाओ, या बहुत ही ज्यादा दूर है तो कार लेके जाओ। अब आप बोलोगे कि भाई ये सब क्या बता रहा है, पर आगे का इंसिडेंट कुछ ऐसा ही है, जहां पर एक रिपोर्टर ने धोनी से पूछा कि आपने लास्ट मैच में हरभजन सिंह को बॉलिंग क्यों नहीं दी। इस पे धोनी भाई का जवाब सुनना, आप इनके सेंस ऑफ ह्यूमर को लिटरली सैल्यूट करोगे। माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू नॉट गिव द बॉल टू हरभजन सिंह गिवन ही इज अ सीजन स्पिनर? यू नो, आई हैव लॉट ऑफ कार्स एंड बाइक्स इन माय हाउस एंड आई डोंट राइड all at a time.
इसको कहते हैं सरकास्टिक रिप्लाई। जोक्स अपार्ट पर ये भी एक क्वालिटी है, सरकाज्म वाली तो है ही, पर किस वक्त कौन सा रिसोर्स यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अपने गेम में धोनी सब चीजों को बहुत माइक्रो लेवल पे एनालाइज करते हैं कि कौन से बैट्समैन के लिए कौन सा बॉलर खेलेगा, ग्राउंड कैसा है, इसमें स्पिन खेल सकते हैं या फास्ट बॉल एंड मेनी मोर। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इस बंदे के डिसीजंस करेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन एवरीथिंग बट नेवर क्वेश्चन एमएस धोनी। दोस्तों नॉर्मल लोगों की आदत क्या होती है पता है, वो या तो पास्ट में जीते या फ्यूचर में। पर जब धोनी भाई को ये पूछा गया कि 9 साल बाद आपका क्या प्लान है, इस पर इनका जवाब बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें एक्चुअल में एक लाइफ लेसन है। आई डोंट नो, यू नो, I'm someone who keeps talking about being in the present, and it's not something that I keep saying, you know, it's something that I truly believe in. And for me, at 45, which is another, I think, 9 years, if I'm not wrong, you know, that's a long time to look ahead. You know, there are plenty of things that I need to focus on right now. And I feel it's always important to be in the present, focus in the present, because what I'm doing in the present will have an impact on the future, and I don't know where I will be in the next 5 years. So to predict about something that's 9 years down the line, you know, it's very difficult. दोस्तों present के actions को इतना powerful बनाओ कि future में result झक मार के आएंगे। हो सकता है धोनी जल्द ही IPL से भी retire हो जाए, लेकिन इनकी leadership, इनकी legacy, इनका दौर हमेशा वैसा का वैसा रहेगा। तो हमारे कैप्टन कूल MS धोनी के लिए एक लाइक तो दिल से बनता है। और नेक्स्ट वीडियो शाहरुख या विराट दोनों में से किस पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताओ। टिल देन वर्क हार्ड एंड सब्सक्राइब विल पावर स्टार।